हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू स्टडी नॉलेज। आज हम कवर करेंगे 19 अप्रैल के करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, आर हरिकुमार, विवेक राम चौधरी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। आर हरिकुमार हमारे चीफ हैं इंडियन नेवी के, विवेक राम चौधरी चीफ हैं इंडियन एयरफोर्स के, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ये हमारे इस टाइम अभी प्रेजेंट में आर्मी चीफ है। इनका टेन्योर 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। द 29th आर्मी चीफ विल बी द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स टू बिकम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सुक्सीडिंग जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हु इज शेड्यूल्ड टू कम्प्लीट हिज 28 मंथ टेनोर ऑन अप्रैल 30। तो 30 अप्रैल को जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का टेनोर ख़त्म हो जाएगा, तो उनकी जगह आ जाएंगे मनोज पांडे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विंस नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप इन पंचकूला। तो पंचकूला में उत्तर भारत बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप किसने जीती? अजय भाटी, मनदीप सिंह, मनिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मनदीप सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्ट द हाईएस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग एट INA कॉम्प्लेक्स। तो कौन सा राज्य INA परिसर में उच्चतम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करता है? मिजोरम, उड़ीसा, गुजरात, मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मणिपुर। मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन वीरेन सिंह अनाउंस द 165 फुट हाई इंडियन नेशनल फ्लैग द टॉलेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट वुड बी होस्टेड एट द INA हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स। तो मणिपुर के CM है एन वीरेन सिंह, गवर्नर LA गणेशन, कैपिटल है मणिपुर की इम्फल, मणिपुर का डांस मणिपुरी रासलीला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज स्टॉप इम्पोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो किस देश ने भारत से कृषि उत्पादकों का आयात बंद कर दिया है? चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, भूटान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हैज़ स्टॉप इम्पोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेट रेडियो रेडियो आकाश फॉर विजुअली चैलेंज लॉन्च इन विच सिटी। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो रेडियो अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? इंदौर, नागपुर, पुणे, कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नागपुर। द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर एंड समदृष्टि क्षमता विकास अवाम अनुसाधन मंडल आर द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द दिस आइडिया। दिस चैनल विल बी अवेलेबल ऑन वेरियस इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म फॉर फ्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजन प्रकाश वोन द विच मेडल एट द दानिश ओपन स्विमिंग मीट इन कोपनहेगन डेनमार्क। तो साजन प्रकाश ने डेनमार्क के कोपनहेगन में दानिश ओपन स्विमिंग मीट में कौन सा पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गोल्ड। गोल्ड जीता है साजन प्रकाश ने। साजन प्रकाश बोन द मैंस 200 मीटर बटरफ्लाई गोल्ड एट द दानिश ओपन स्विमिंग मीट इन कोपनहेगन डेनमार्क। 16 ईयर ओल्ड वेदांत मदावन वैग द सिल्वर मेडल इन द मैंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्रेजेंटेड द 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स। हु वॉज ऑनर विद द डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर सरदार उधम? शुजीत सरकार, अर्जुन देसाई, आर के सिंह, मनीष शर्मा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शुजीत सरकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया एसेट। तो एयर इंडिया एसेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त, अर्जुन मुंडा, दिनेश कुमार, विश्वास पटेल।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विक्रम देवदत्त, अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया एसेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिरिस्ट सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर प्रफुल्ला कर पास्ड एट द एज ऑफ 83, ही हेल्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो गीतकार, गायक और संगीत निदेशक प्रफुल्ला कर का 83 वर्ष की आजु में निधन हो गया। वह किस भारतीय राज्य से हैं? ओडिशा, गुजरात, केरला, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओडिशा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च जोंगसिंग 6D सैटेलाइट। तो हाल ही में किस देश ने जोंगसिंग 6D उपग्रह लॉन्च किया? जापान, चाइना, इंडिया, फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चाइना। इट विल प्रोवाइड रिलायबल, स्टेबल एंड सेफ रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन सर्विस, शिनोया न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड। दिस लॉन्च मार्क द 415th मिशन फॉर द लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? स्टेबल एंड सेफ रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करेगा ये सैटेलाइट। आज का सेशन हमारा बस इतने तक ही था। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।